ने आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव यानी कि पिताजी के जन्मदिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी बड़े नेताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद से पूरी समाजवादी पार्टी की 2019 की शुरुआत हुई है। इसे फिरोजाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का 72वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से खास मनाया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता एक मंच में मौजूद रहे हैं और एक तरह का मैसेज देने का प्रयास किया है समाजवादी पार्टी ने कि हम सब लोग एक हैं और आगामी 2019 के चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा विपक्ष को, ऐसा सपा ने मैसेज दिया है। हमारे साथ सांसद अक्षय यादव मौजूद हैं। सर, एक मैसेज दिया है इस मंच से, किस तरह का मैसेज है और क्या विपक्ष को समझना चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, ये मैसेज तो बहुत क्लियर है। आज हम लोगों ने अपने वरिष्ठ जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनका जन्मदिन फिरोजाबाद में मनाए, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल चाचा, पार्टी के नेता विरोधी दल श्री राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन साहब और सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे नरेश उत्तम जी और सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे और सबने बधाई दी और पार्टी को मजबूत करने की सबने अपनी इच्छा प्रकट करी। सर, जिस तरह गठबंधन की बात की जाए, सपा बसपा का गठबंधन है लेकिन बसपा का कोई कार्यकर्ता या बड़ा नेता नहीं आया, तो क्या मानते हैं कि? नहीं, बसपा के काफ़ी लोग आए हैं, अब क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम था इसलिए हो सकता है, पार्टी का कार्यक्रम है और बसपा के लोग काफ़ी आए, काफ़ी लोग मिले भी हैं, मिलकर गए हैं, सब बधाई देकर गए। ये जरूर है कि डक्का मुक्की की वजह से कोई ऊपर मंच पर ना पहुंच पाया। 2019 के लिए क्या मैसेज देंगे आप? 2019 में सपा और जो तीसरा फ्रंट बनेगा वो सरकार बनाएगा। साफ तौर पर सांसद ने कहा है कि यहाँ से शुरुआत हुई है, 2019 में जो तीसरा फ्रंट संगठन बनेगा और सपा एकजुट होकर सरकार बनाएगी और विपक्षियों को मुंह